हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी जॉब्स को लेकर के कि मैम नौकरी नहीं मिलती है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, कंपटीशन बहुत है, लोग ऑफिस में चुगलियाँ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रही है। दोस्तों, हमारे पास हज़ारों ईमेल्स आते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं हर किसी को जवाब दूं, या थोड़ा टाइम लग जा रहा है। जवाब हर किसी को मिलेगा दोस्तों, पर थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे में मैं आप लोगों को एक कॉमन मैसेज देना चाहती हूँ, एक छोटा सा उपाय जो आप आँख बंद करके हर कोई कर सकता है दोस्तों। क्योंकि आज का जो युग है, जो अभी का जो प्रेजेंट युग है दोस्तों, वो कॉम्पिटिशन का ज़माना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है या जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, उसको ही जॉब मिल पाते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी लोगों को जॉब ना मिले। तो दोस्तों, अगर आपने सब ट्राई कर लिया, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास सब कुछ है जॉब में, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, या जॉब नहीं मिल रही है, लाइफ की अपनी जो स्पीड हुई है वो बहुत स्लो हो गई है आपकी, तो दोस्तों आज मैं एक कैटलिस्ट दे रही हूँ आपको। दोस्तों, एक गोली बता रही हूँ जो खा लें और देखिएगा आपकी लाइफ कैसे स्पीड अप हो जाती है। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ और वो है पीले धागे का उपाय। आसान सा उपाय है दोस्तों, वो आपको कर लेना है और आपको आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपने लाइफ में कुछ किया है। दोस्तों, धन और वैभव के लिए हर इंसान बहुत कुछ करता है। रात दिन हम नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए व्यवसाय करते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलती हमसे रह ही जाती है, जिससे हमें मेहनत के मुताबिक धन और वैभव हासिल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं जॉब में प्रमोशन के लिए, या जॉब से निकाले जाने का डर अगर आपको सता रहा है तो मैं ये उपाय करना ना भूलें। पीले धागे का एक छोटा सा उपाय है दोस्तों, फटाफट बता देती हूँ आपको। दोस्तों, शुक्ल पक्ष के, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है एट प्रेजेंट, आज है 2 मार्च 2017, तो आज की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीला धागा खरीद कर लाएं, येलो कलर का धागा आपको थर्सडे के दिन में खरीदना है। कोई भी शुक्ल पक्ष के मंथ में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल को व्हाइट बोलते हैं या उजला बोलते हैं, कृष्ण पक्ष को डार्क बोलते हैं, यानी अंधेरी बोलते हैं। तो ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के थर्सडे को करना है। एक पीला धागा खरीद के लाएं और इस धागे को पीपल या केले के वृक्ष पे बांध दें। देखिएगा दोस्तों, चमत्कारिक उपाय है, आप खुद देखेंगे आपकी जॉब या नौकरी में प्रमोशन के योग बन गए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, धागा थोड़ा ज्यादा लंबा हो, ताकि बांधने के बाद जो बचा हुआ धागा होगा वो आपको घर लेके जाना है। थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा धागा लें, ऐसा नहीं कि एकदम बराबर पेड़ के साइज का ले लें आप। इस धागे को अब आपको घर आकर आपके जो भी इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनका ध्यान करके आप इसको अपने हाथ पे बांध लें। ध्यान रखें दोस्तों, आपको अपने राइट हैंड पे ये धागा बांधना है। याद रखें दोस्तों, ये धागा एक संकल्प करके बांधें, ऐसा नहीं है कि लिया और हाथ में बांध लिया। पहले मन्नत की तरह मांगे, या क्या बोलना है, संकल्प करें कि जब तक आपकी समस्या खत्म नहीं होगी तब तक आप इस धागे को बांधे रखेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है मैंने और आपको ये कर लेना है, आप खुद देखेंगे दोस्तों कैसे आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। इसके अलावा दो चार आपको छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ दोस्तों। पीले धागे का उपाय मैंने बता दिया, बहुत ही शॉर्ट सा आसान सा उपाय है, वो आपको कर जाना है दोस्तों, बांध के रखें जब तक आपको जॉब ना मिले या जॉब में प्रमोशन ना मिले, या आपको जो प्रॉब्लम हो रही है जॉब पे उसके लिए दोस्तों, या व्यवसाय में आपके शॉप में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दुकान चलती नहीं है, या आपने कोई ऑफिस खोला है, कोई बिजनेस खोला है, वो नहीं चलता है, तो ये पीले धागे का उपाय आप कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों शुक्ल पक्ष के सोमवार को पड़ने वाले योग के दौरान प्रमोशन जिनको चाहिए वो मनुष्य तीन गोमती चक्र लेना है और चांदी का तार किसी भी ज्वेलर की शॉप पे छोटे मोटे ज्वेलर के पास जाइए, वो पतले पतले तार बना के रखते हैं, सस्ते होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो तीन गोमती चक्र को चांदी की तार में बांध के अपने पास रख लें। इसके अलावा पहले भी बता चुकी हूँ, हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर आपको घर पे रखनी है और हर मंगलवार को जाके बजरंग बाण और हनुमान चालीसा को पाठ करना है। हो सके तो आसपास जो घर का मंदिर है दोस्तों वहां तक, हनुमान जी के मंदिर तक पैदल जाएं हर मंगलवार को, और अगर हो सके तो 21 दिन तक रोज पैदल जाएं और वहां जाके एक दिया जला के हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का एक पाठ रोज करें। एक माला अगर 108 मंत्रों की ओम हन हनुमते नमः की कर सकते हैं तो प्लीज करें दोस्तों, बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों सैटरडे शनिवार के दिन शनि की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। शनि भगवान हमारे कर्मों का फल देने वाले देवता हैं, अतः इस दिन सभी देवी देवताओं के साथ ही शनि देव का भी आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद शनि के निमित्त तेल का भी दान करना है और काला धागा हो सके तो जरूर चढ़ाना है। इस उपाय से आपको फायदा जरूर होगा। तांबे के लोटे में, नेक्स्ट उपाय बताती हूँ दोस्तों, तांबे के लोटे से सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप रोज चढ़ा सके तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अगर रोज नहीं भी चढ़ा सके तो कम से कम संडे के दिन आपको जरूर चढ़ाना चाहिए सूर्य को जल। इसके साथ ही जल में लाल मिर्च के दाने भी डालें, अगर हो सके सूखी लाल मिर्च आती है मार्केट में वो ले लें दोस्तों, उसमें जो बीज होता है वो डालें। इस उपाय से आपको प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी हुई सारी बाधाएं रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफर हो जाए या आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफर रुक जाए, दोनों केसेस में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और आपकी प्रमोशन को लेके भी आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों सप्त धान का इलाज है, मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों कि सप्त धान इनको खिलाना चाहिए, चिड़िया को खिलाना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही फलदायक होता है और हर रोज पक्षियों को मिश्रित अनाज खिलाने से घर में धन संपत्ति बरकरार रहती है। अगर नहीं है, गरीबी में निकल रहे हैं दिन, तो धन के आगमन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखें, अगर सूर्य को आप जल दे रहे हैं तो जल में आप रोली और फूल मिलाकर भी लगातार 43 डेज तक देना है दोस्तों, आपको उगते हुए सूर्य को जल देना है। नौकरी में प्रमोशन और कामयाबी का बहुत ही बड़ा संबंध होता है सूर्य का, जो अधिकारियों का कारक ग्रह है, इसलिए सूर्य को हमेशा अपने अनुकूल बना के रखें। दोस्तों शनि और सूर्य देवता दोनों को हमेशा मनुष्य को अपने अनुकूल बना के रखना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और है, गुरुवार यानी थर्सडे के दिन बेसन के लड्डू, चने की दाल या पीले वस्त्र आप दान करते हैं। नौकरी में अगर परेशानी चल रही है तो 3 केले 43 डेज तक मंदिर में जाके किसी गरीब को आपको दान करना है। हल्दी या केसर का तिलक लगाना है, यह गुरु ग्रह का उपाय है। थर्सडे गुरु देवता होते हैं, उनको जो गुरु को धन सुख और उन्नति का कारक माना जाता है, इसलिए आप हल्दी या केसर का टीका लगाएंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। फ्रेंड्स मैंने आज आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं जॉब में प्रमोशन के लिए, नौकरी पाने के लिए। ये कॉमन उपाय है दोस्तों, इसमें से जो आपको सूटेबल लगे, एक या एक से अधिक उपाय आप कर सकते हैं।
प्लीज जो लोग जूझ रहे हैं जॉब्स के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, प्लीज ये वीडियोस उनसे भी शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। कोई भी तरह के प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैप्पी डे। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।